तो देखा आपने कैसे हम 10 मिनट में ढाबा और रेस्टोरेंट जैसा मटर पनीर घर पर तैयार कर सकते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पंडिताइन की रसोई। आई होप आप लोगों को मेरी बनाई हुई रेसिपी वीडियोस काफी पसंद आ रहे होंगे। आप इन्हें अपने घर पर ट्राई कर रहे होंगे और अपने घर वालों का दिल जीत रहे होंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं बात करती हूँ अपनी आज की रेसिपी की। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि घर के मसालों से ही आप कितनी जल्दी घर पर मटर पनीर तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान है। मेहमान आने पर या आपके घर पे कोई ओकेशन हो, उसमें आप 10 मिनट के अंदर कैसे झटपट मटर पनीर की सब्जी तैयार कर सकते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाकर रेड बटन पर क्लिक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ मटर पनीर बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 150 ग्राम पनीर। यहाँ पर हम दो लोगों के लिए मटर पनीर बना रहे हैं। पनीर को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी मटर की। यहाँ पर हमने फ्रोजन मटर ली है, बाजार में ये बहुत ही आसानी से मिल जाती है, आप बाजार से ले सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर वेजिटेबल्स ली है। वेजिटेबल्स में हमने लिए हैं टमाटर, यहाँ पर हमने 6 टमाटर लिए हैं और 4 प्याज ली है। जितना आपने टमाटर लिया है उसका आधा प्याज लेना है। इसके बाद हल्दी, साधारण नमक, खड़ा गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला, जीरा, धनिया पाउडर, लहसुन का पेस्ट, अदरक हरी मिर्च का पेस्ट, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर और काला नमक। अब मैं बताती हूँ आपको हमारी रेसिपी के दो सीक्रेट, जिससे हमारी रेसिपी में ढाबा और रेस्टोरेंट जैसा ही बिल्कुल टेस्ट आएगा। यहाँ पर हमने लिया है सरसों का तेल, खड़ा गरम मसाला। इसमें सब्जी फ्राई करने से जो हमारा मटर पनीर है वो बिल्कुल ढाबा और रेस्टोरेंट जैसा ही टेस्ट वाला बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हम वेजिटेबल्स को कट कर लेते हैं। तो मटर पनीर बनाने के लिए हम सबसे पहले प्याज को छील लेंगे। एक प्याज के हमें 4 टुकड़े करने हैं, क्योंकि हमें प्याज को हाफ फ्राई करना है। तो हमने यहाँ पर सभी प्याज को छील लिया है और अब हमें इस तरीके से एक प्याज के 4 टुकड़े करने हैं। आपको ध्यान रखना है कि प्याज को ज्यादा बारीक नहीं काटना है, आपको इस तरीके से प्याज काटना है, इतना बड़ा टुकड़ा, क्योंकि हमें इसको हाफ फ्राई करना है। प्याज काटने के बाद हम टमाटर को कट करेंगे और टमाटर के भी हमें 4 टुकड़े करने हैं इस तरीके से, क्योंकि इसे भी हमें हाफ फ्राई करना है और हाफ फ्राई में ये अच्छे से पक जाएंगे। तो यहाँ पर हमने प्याज और टमाटर को अच्छे से काट लिया है, अब हम करेंगे इन्हें फ्राई। फ्राई करने के लिए हम कढ़ाई में तेल चढ़ाएंगे और देखिए तेल को इस तरीके से डालना है चारों तरफ फैलाकर। और सरसों का तेल लिया है, इसलिए सरसों के तेल को हमें पहले पकने देना होगा। जब उसमें से धुआं निकलेगा तो उसमें एक अच्छी खुशबू आएगी, इससे आपको समझ में आएगा कि हमारा सरसों का तेल पक चुका है। और ध्यान रखना है हमें सरसों के तेल को जब तक गर्म करना है जब तक कि इसमें से धुआं ना निकलने लगे, क्योंकि धुआं निकलने पर हमारे सरसों के तेल में जो तत्व होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और उससे हमारी सब्जी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। ये हमारा तीसरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। ये देखिए यहाँ पर हमारा तेल गर्म हो चुका है और इसमें छोटे छोटे बुलबुले दिख रहे हैं जो कि आपको इंडिकेट कर रहे हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज और टमाटर। और अब हमें प्याज और टमाटर को चलाना है और मीडियम फ्लेम पर आपको 2 मिनट के लिए ढक कर रखना है। लेकिन ढकने से पहले आपको एक काम और करना होगा। ये जो हमारा चौथा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है हमने दिखाया नहीं था, अब हम आपको बता रहे हैं। काजू के मैंने यहाँ पर 10 पीस लिए हैं, आपको इसमें डालना है। साथ में ही हमें इन्हें फ्राई करना है। काजू को आपको अलग से फ्राई नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर हमारा टाइम भी बचेगा और ये जल्दी भी तैयार हो जाएगा। और आपको पता ही है कि काजू से मटर पनीर में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो चलिए अब 2 मिनट के लिए हम ढक कर रखेंगे। जब तक हमारे टमाटर और प्याज फ्राई हो रहे हैं हम यहाँ पर मटर को तल लेते हैं। हमने यहाँ पर फ्रोजन मटर लिया था, इसलिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको पैन में डालकर एक बार रोस्ट कर लेना है, ये अपने आप तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे मटर
अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं और इन्हें रोस्ट करने में एक मिनट से भी कम समय लगा है। और देखिए ये कितने बढ़िया खिले खिले लग रहे हैं और एकदम नेचुरल कलर आया है। इसके बाद हम प्याज और टमाटर को चेक कर लेते हैं। देखिए प्याज टमाटर और काजू हमारे अच्छे से हाफ फ्राई हो चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देते हैं, इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडा कर लेंगे। ठंडा करके हमें इनका बारीक प्यूरे बनाना है। यहाँ पर हमने काजू प्याज और टमाटर को जो हाफ फ्राई किया था उसको पीस कर हमने प्यूरे तैयार कर लिया है। अब हम फ्राई करेंगे अपनी मटर पनीर की सब्जी। हमने कढ़ाई को पहले से ही गैस पर रख रखा था, अब हम इसमें डालेंगे तेल। तो सबसे पहले हम तेल में ऐड करेंगे जीरा, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट। अदरक और हरी मिर्च के पेस्ट को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। अदरक और हरी मिर्च के बाद अब हम ऐड करेंगे लहसुन का पेस्ट। लहसुन के पेस्ट को हमें अदरक और हरी मिर्च के बाद डालना है। अब हम ऐड करेंगे खड़ा गरम मसाला। मसाले को अच्छे से पकाएंगे। पहले हमने इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि इसका अच्छा टेस्ट नहीं आता और अभी अच्छे से पकेगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। यहाँ पर हमारा मसाला अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, प्याज और काजू की प्यूरी। आपको धीरे धीरे करनी है क्योंकि इसके छींटे उठते हैं। इस तरीके से धीरे धीरे मिलाइएगा। प्यूरी मिलाते समय आपको गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है वरना टमाटर के जो छींटे हैं वो फैल सकते हैं चारों तरफ। अब हम अपनी प्यूरी में ऐड करेंगे हमारे मसाले क्योंकि हमारे प्यूरी में उबाल आना स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे मसाले। मसालों में सबसे पहले हम ऐड करेंगे नमक। नमक हमें स्वाद अनुसार डालना है। हल्दी भी हमें कलर के हिसाब से ऐड करनी है। कश्मीरी लाल मिर्च अगर आप खाते हैं तो, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप कर सकते हैं। अमचूर पाउडर, काला नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर। अब हमें इसे चलाना है, सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करने हैं। तो ये देखिए ग्रेवी में सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम ऐड करेंगे इसमें मटर और मटर के बाद ऐड करेंगे जो हमने पनीर के क्यूब्स कट किए थे उनको, और आपको इन्हें मिक्स कर देना है इस तरीके से। आपको मटर और पनीर को अच्छे से मिक्स करना है, कोई भी पार्ट ना रह जाए जिसमें मसाला ना मिला हो, वरना आपके पनीर और मटर में मसाले का टेस्ट नहीं आ पाएगा और आपका मटर पनीर स्वादिष्ट नहीं लगेगा। अब हम अपने मटर पनीर को एक मिनट के लिए ढककर रखेंगे। तो यहाँ पर एक मिनट हो चुका है, हम अब अपनी सब्जी को चेक करेंगे। यहाँ पर हमारे मटर पनीर बनकर तैयार हो चुके हैं और हम गैस को बंद कर देंगे। और देखिए मटर पनीर का कलर कितना बढ़िया आया है, एकदम ढाबा और रेस्टोरेंट जैसा। ये देखिए पनीर के स्लाइस देखिए कितने सॉफ्ट हैं। ये देखिए ये आराम से दब रहे हैं। और मटर देखिए, मटर का कलर एकदम नेचुरल आया है। चलिए हमारा मटर पनीर यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है, अब हम इसे करते हैं सर्व। यहाँ पर हमने अपने मटर पनीर को सर्व कर लिया है। अब हम करेंगे इसको गार्निश। गार्निश करने के लिए मैंने यहाँ पर हरी मिर्च का एक स्लाइस लिया है, कटा हरा धनिया। और देखिए हमारी सब्जी कितनी बढ़िया बनी है। तो देखा आपने कैसे हम 10 मिनट में ढाबा और रेस्टोरेंट जैसा मटर पनीर घर पर तैयार कर सकते हैं। देखिए कलर कितना बढ़िया आया है और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होगा। अगर आपको मेरी आज की बनाई हुई मटर पनीर की रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले रेसिपी वीडियो के साथ बहुत ही जल्द आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।